टॉपिक है कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल क्यू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करता है इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, ऊपर, चार्ज पार्टिकल इसके परपेंडिकुलर एंटर कर रहे हैं, तो उसका जो पाथ होगा वो हमेशा पैराबोलिक होगा, ये प्रूव करो। अब रूल नंबर वन, एक पॉजिटिव चार्ज क्यू कैसे मूव कर रहा था, सीधा, ऐसे सीधा विद अ वेलोसिटी ऑफ वी, तो वी वेलोसिटी सीधा मूव कर रहा था, तो वी से जब सीधा मूव कर रहा है एकदम ही क्या स्टार्ट हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है, ऊपर की तरफ, और ये चार्ज क्या है, पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा फोर्स कहाँ एक्सपीरियंस करेगा, नीचे की ऊपर, ऊपर, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, कहाँ करेगा, ऊपर करेगा, कितनी करेगा, क्यू ई करेगा। तो ऊपर की तरफ जो फोर्स है, ऊपर की जो फोर्स है वो वैल्यू क्या है, F इज इक्वल टू क्यू ई, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, क्यू ई डिवाइडेड बाय एम, क्योंकि फोर्स अपॉन मास क्या होता है, एक्सेलरेशन। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, तो ये एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस करेगा। अब एक फोर्स एक्ट कर रही है ऊपर, पार्टिकल को कैसे फेंका गया था, हॉरिजॉन्टल, अब वो हॉरिजॉन्टल भी जाएगा और साथ साथ ऊपर भी जाएगा, तो 2D में मूव करेगा, एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज होगा और वाई भी, तो ये पैराबोला में मूव करेगा। इसको मैथमेटिकली हमने क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक। इसको प्रूफ करने से पहले एक काम करते हैं, हम प्रोजेक्टाइल पे चलते हैं। अगर आपको प्रोजेक्टाइल याद हो तो प्रोजेक्टाइल में हमने ये किया था, ये एक बिल्डिंग है, ग्राउंड है, एक प्रोजेक्टाइल को सीधा वी वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल फेंका था, तो हॉरिजॉन्टल फेंका था तो वो ऐसा पैराबोला पाथ कवर करता था, और एक्स कोऑर्डिनेट के एक्स डिस्टेंस कवर किया उसने, कितनी देर में, टी टाइम में। तो जब उसको हॉरिजॉन्टल फेंका तो वर्टिकल में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और ग्रेविटी की फोर्स भी है, इसलिए वर्टिकल वेलोसिटी इनिशियल क्या थी, जीरो, उसके बाद इंक्रीज 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 होती गई, चेक करो, इंक्रीज 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 होती जा रही है, क्योंकि एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ, पर एक्स एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है, ना कोई फोर्स है, इस वजह से हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी की वैल्यू हमेशा क्या रखी जाती थी, सेम। हॉरिजॉन्टल में जो एक्स एक्सिस है उसमें वेलोसिटी सेम। तो क्या पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, तो ऐसे केस में जब मैं एक्स एक्सिस में इक्वेशन लगाता था तो वेलोसिटी क्योंकि कॉन्स्टेंट है तो क्या इक्वेशन लगती थी, एस इज इक्वल टू वी टी, ये इक्वेशन थी। और अगर मैं वाई एक्सिस की इक्वेशन लगाता था तो इक्वेशन क्या लगती थी, y इज इक्वल टू जीरो प्लस हाफ इंटू जी टी स्क्वायर, यही रूल था। वापस चलते हैं अपने टॉपिक पे, हमारा टॉपिक सेम है, इस बार एक्सेलरेशन की वैल्यू कहां पर है, ऊपर की तरफ है, कितनी है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय मास, ठीक है, ये एंट्री करता है तो इसकी इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी क्या थी, जीरो, तो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी जीरो, जैसे जैसे ये पार्टिकल ऊपर जाएगा इसकी वेलोसिटी इंक्रीज 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 इंक्रीज, क्यों, क्योंकि वाई एक्सिस में क्या प्रेजेंट है, एक्सेलरेशन, पर हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी क्योंकि हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी है ही नहीं, क्लियर है यहां तक। तो मान लो ये पार्टिकल यहां पे आता है कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ वाई और एक्स एक्सिस में कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ एक्स इन टाइम टी, तो इसलिए एक्सेलरेशन क्यू ई बाई एम है। तो अगर मैं y एक्सिस की बात करता हूं तो y एक्सिस में डिस्टेंस कवर y है, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी जीरो है, इनटू हाफ इनटू 80 स्क्वायर, और एक्सेलरेशन की जगह क्या पुट करेंगे, QE by m, फर्स्ट इक्वेशन। और अगर मैं x एक्सिस की बात करता हूं तो वेलोसिटी कांस्टेंट है तो वी कैन अप्लाई x इज इक्वल टू vt, तो यहां से t की वैल्यू आ गई, इस t की वैल्यू को ऊपर पुट करेंगे तो ये टर्म आएगी x स्क्वायर बाय v स्क्वायर, तो ये सब कांस्टेंट है, तो y प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, when y is proportional to x square, तो path follow is parabolic in nature. तो ये topic इस तरीके से prove होगा।